भाजपा द्वारा मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित करने के एक दिन बाद कांग्रेस ने मंगलवार को भगवा पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप हैं। उन्होंने उज्जैन मास्टर प्लान पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या यही राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, चुनाव नतीजे के 8 दिन बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ उज्जैन मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा, सिंहस्थ के लिए आरक्षित 872 एकड़ जमीन में से भी भू उपयोग बदलकर जमीन अलग कर दी गई। उनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इनमें वही गाली गलौज करते, धमकी देते और आपत्तिजनक बयान देते नजर आ रहे हैं। रमेश ने प्रधानमंत्री के मोदी की गारंटी वाले बयान पर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या यह मध्य प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी है? रमेश ने अपने दावे के समर्थन में एक समाचार क्लिपिंग भी संलग्न की। भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई ने सोमवार को मोहन यादव को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया। यह निर्णय राज्य की राजधानी में पार्टी की विधायी बैठक के बाद आया। गौरतलब हो कि मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता। उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2013 में जीता और 2023 सहित लगातार 3 चुनावों में विजयी रहे।